अगर दोस्तों आप भी ट्वेल्थ पास कर चुके हैं और आपका एज जो है 20 वर्ष से पार हो चुका है, तो दोस्तों बिहार सरकार की तरफ से एक योजना चलाई जा रही है जिसमें कि आप इस योजना के से लाभ लेकर के आप सरकार की तरफ से प्रति महीना आप 1-1 हज़ार रुपया 2 साल तक ले सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर आपने भी यहाँ पे ट्वेल्थ कर लिया है और आपका एज जो 20 साल से ऊपर हो चुका है, तो दोस्तों बिहार सरकार की तरफ से यहाँ पे 7 निश्चय का योजना चलाया जाता है, जिससे कि आप इस योजना में जो है फॉर्म को अप्लाई करके DRCC से वेरिफिकेशन करवा के आप इस योजना के तहत आप सरकार की तरफ से 1-1 हज़ार रुपया 2 साल तक आप ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने भी इस योजना का लाभ नहीं लिया है और यहाँ पर लाभ लेना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में जो है आपको यहाँ पे SHA का ऑनलाइन कैसे किया जाता है, क्या क्या इसमें फॉर्म में भरना है और कैसे इसका वेरिफिकेशन होता है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और साथ ही साथ दोस्तों अगर और भी इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के घंटा प्रेस कर लेना है, ताकि दोस्तों आगे भी इस प्रकार के डेली आपको वीडियो मिलती रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन या अपने लैपटॉप में जो किसी ब्राउज़र को ओपन कर लेना, जैसे कि यहाँ पर मैं अपने लैपटॉप में जो है गूगल क्रोम को ओपन कर लिया हूँ, ठीक है। आप चाहे तो अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भी कर सकते हैं। उसके बाद ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ पे जो है सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स में आना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है 7 निश्चय, जो कि यहाँ पे आप इस प्रकार से सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पर ऊपर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, MNNSY, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इसका इंटरफेस यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे SHA मान लिया जाए, या तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, या तो जो है कुशल युवा प्रोग्राम यानी KYP, आप कोई भी यहाँ पे जो है फॉर्म को अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पे न्यू अप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का यहाँ पर पॉपअप ओपन हो जाएगा, जो कि यहाँ पर सबसे पहले तो अप्लीकेशन फर्स्ट नेम आपको यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। अप्लीकेशन का जो भी फर्स्ट नेम यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर मिडिल नेम यहाँ होगा तो यहाँ पर डालेंगे, या तो लास्ट नेम यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डाल देना, एप्लीकेशन का जो भी ईमेल आईडी होगा एप्लीकेंट का वो आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर एप्लीकेंट का आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल देना, ठीक है। उसके बाद नीचे आप मोबाइल नंबर डालेंगे, जो भी एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं वो डालेंगे, ठीक है। लेकिन तो ये जो मोबाइल नंबर है पहले यहाँ पर जो SHA में रजिस्टर नहीं रहना चाहिए, तो वो मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद सेंड OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आपने जो भी मोबाइल नंबर डाला है और जो भी ईमेल आईडी आपने डाला है, उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, ठीक है। OTP को आपको इस वाले बॉक्स में आपको फिल कर देना है, लेकिन यहाँ OTP के पहले ऊपर में आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हो सिलेक्ट यस द एप्लीकेशन द फील्ड द वसुधा केंद्र। अगर आप यहाँ पे वसुधा केंद्र से अप्लाई करें तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो, इसको रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लीज़ इंटर द OTP सेंड में आप यहाँ पे मोबाइल नंबर का OTP इस वाले बॉक्स में डालेंगे। नीचे आपको ईमेल का OTP डाल देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे जो है डिसाइड इसकी मैं पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे SHA सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन, आप यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कुछ इस प्रकार के इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा, आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर योर यूजर आईडी, जो भी होता है रजिस्टर का यूजर आईडी आपके ईमेल पे सेंड कर दिया जाता है। तो वहाँ पे अपना ईमेल पे ओपन करके आपको यूजर आईडी और पासवर्ड आपको पता कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे यूजर आईडी जो भी आपका होगा यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद पासवर्ड डालेंगे, नीचे कैप्चा फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पहली बार जो आपको ओल्ड पासवर्ड जो भी होता है उसका ओल्ड पासवर्ड को आपको यहाँ पे जो न्यू पासवर्ड बनाना होगा, यानी पहले जो ओल्ड पासवर्ड है उसको डाल के आपको न्यू पासवर्ड एक सेट कर लेना। तो ओल्ड पासवर्ड जो भी आपके ईमेल पे आया है यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी पासवर्ड है डाल लेने के बाद नीचे आपको यहाँ पे न्यू पासवर्ड आपको डाल देना है, जो भी आप न्यू पासवर्ड सेट करना चाहते हैं वो पासवर्ड यहाँ पे आप सेट करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे पासवर्ड दिख जाएगा, आप इस प्रकार से पासवर्ड को सेव करेंगे, ठीक है, यानी डालेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड आपका बढ़िया होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। सेम उसी प्रकार से पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। जो जो आपने डाला वो आप यहाँ पे डाल के कंफर्म करेंगे। उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। इतना करने एक बार यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ पासवर्ड चेंज रिसेट सक्सेसफुली, तो यहाँ पे क्लिक है के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से इस प्रकार के इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके यहाँ पे जो यूज़र आईडी में अपना ईमेल आईडी डालेंगे और नीचे पासवर्ड में जो आपने अभी पासवर्ड सेट किया है वो पासवर्ड आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेना है। जो भी आपको यहाँ पे कैप्चा दिख रहा है सिंपली आपको यहाँ पे पासवर्ड वगैरह डाल के कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे लॉगिन का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा लॉगिन होने में, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के इंटरफेस यहाँ पे आ जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको जो मैट्रिक बेस पे आपको यहाँ पे डिटेल फिल करना होगा, जैसे कि यहाँ पे मैट्रिक स्टेंट बोर्ड के आधार पे आपको यहाँ पे सबसे पहले स्कूल सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, बोर्ड सेलेक्ट कर लेना।
आप जो भी बोर्ड से पास किए वो आपको यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है और यहाँ पे CBSE है, तो आप जो भी बोर्ड से पास किए वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे रोल नंबर डाल देना है, ठीक है। रोल नंबर आपके यहाँ पे 10th का, मैट्रिक का जो भी मार्कशीट होगा उस पर आपको यहाँ पे रोल नंबर देखने के लिए मिल जाएगा, तो रोल नंबर आप यहाँ पे वहाँ से फिल कर लेंगे। जो भी आपका रोल नंबर होगा वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना, उससे उसी प्रकार से रोल कोड आप यहाँ पे फिल करेंगे, आपके मार्कशीट पे मिल जाएगा देखने के लिए। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट रेगुलर या सप्लीमेंट्री आप दिए हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने किस वर्ष पास किया वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। आप जिस भी वर्ष मैट्रिक जो है जिस भी वर्ष आप मैट्रिक पास किए वो आप यहाँ वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ऑटोमेटिक से आपको यहाँ पे जो स्कूल का नाम आ जाएगा, जैसे सारा कुछ डिटेल वगैरह फिल करते हैं ऑटोमेटिक से स्कूल का नाम आ जाता है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से आपको यहाँ पे 12th बेस पे आपको यहाँ पे जो है 12th आगने आपने किया होगा 12th, तो आपको यहाँ पे 12th के बारे में आपको यहाँ पर डालना है। अगर आपने 12th नहीं किया तो यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। लेकिन आपने 12th कर लिया तो यहाँ पे यस रहने देंगे। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे स्कूल का कोड यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। जो भी आपका यहाँ पे स्कूल बोर्ड से जो भी बोर्ड से पास किए हैं वो कोड डालेंगे। सेम उसी प्रकार से आपको रोल नंबर भी सिलेक्ट कर लेना है, आपके मार्कशीट पे मिल जाएगा देखने के लिए। 12th के मार्कशीट पे रोल नंबर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे रोल कोड सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग पूछा जा रहा, आप किस वर्ष पास किए वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिक से स्कूल का नाम आ जाएगा और यहाँ पे वेरिफिकेशन स्टेटस यहाँ पे देख सकते हैं, वेरीफाइड है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है फर्स्ट फादर नेम, यहाँ पे ऑटोमेटिक से रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मदर्स का नाम डाल देना है, मदर्स का नाम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे मिडिल नेम है तो यहाँ पे डालेंगे, नहीं है तो लास्ट नेम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस आपको डाल देना है, आप क्या है, सिंगल है या मैरिड है। आप जो भी होंगे आप यहाँ पे अपने अनुसार से यहाँ डालेंगे, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे शादी विवाह हो चुका है तो आप यहाँ पे मैरिड डालेंगे, नहीं तो सिंगल डालेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना। आप जो भी कैटेगरी से आते हैं जैसे कि जनरल है, EBC है, OBC है, ST है, आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं वो कैटेगरी आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे FSC कोड डाल देना, आपने आपका जो भी बैंक होगा जिस बैंक में आप पैसा मंगाना चाहते हो वो आप यहाँ पे बैंक का FC कोड डालेंगे। जैसे ही आप FC कोड डालेंगे तो बैंक का नाम और यहाँ पे ब्रांच नेम ऑटोमेटिक से आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर आपको डालना होगा, ठीक है। यानी आप जिस भी अकाउंट में पैसा आपको मंगाना चाहते हैं आपका वही अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डाल देना, ठीक है। अकाउंट नंबर इस वाले बॉक्स में आपको फिल कर लेना है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है। अगर आप यहाँ पे शहरी क्षेत्र से आते हैं तो अर्बन सेलेक्ट रहने देंगे, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हो यहाँ पे रूरल सेलेक्ट रहेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो भी क्षेत्र से आते हो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना, आपका जो भी स्टेट पड़ता है डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्लॉक, नगर और यहाँ पे परिषद आपको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। आपका जो भी ब्लॉक पड़ता है यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे पंचायत सेलेक्ट करना है, आपका जो भी पंचायत पड़ता है यहाँ पे पंचायत सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद विलेज का नाम यहाँ पे डालेंगे और साथ ही साथ आपको पोस्ट ऑफिस का नाम भी डाल देना है। और नीचे आपको यहाँ पे पिन कोड का जो भी आपका एरिया का पिन कोड होगा वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस पूछा जा रहा है, ठीक है। यानी आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो रेजिडेंशियल एड्रेस वही है, तो आप यहाँ पे जो है परमानेंट एड्रेस जो भी आपने डाला है अगर आपका वही रेजिडेंस एड्रेस भी है तो आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको टिक कर लेना, टिक इफ द सेम परमानेंट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टिक करेंगे, अगर आपके यहाँ पे कोई दूसरा है तो यहाँ पे मैनुअली रूप से डाल सकते हैं, अगर आपका सेम है तो यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको सेव एज ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करें तो आपको यहाँ पे फिर से स्क्रॉल करके नीचे आना, उसके बाद यहाँ पे आपको प्रीव्यू के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार के इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ से आपको क्लोज कर लेना, ठीक है। क्लोज करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक करते तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है गिव लोकेशन फॉर कुशल युवा ट्रेनिंग, यानी आप जो है कुशल युवा ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, आप कहाँ पर लेना चाहते हो वो आप यहाँ पे प्रेफरेंस डाल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम डालेंगे, ठीक है, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नाम डालेंगे, उसके बाद ब्लॉक डालेंगे, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे तीनों डाल सकते हैं, ठीक है, नहीं तो मैं एक ही यहाँ पे डाल दिया हूँ, ठीक है। आपका मर्जी जो भी डालना चाहते हैं वो प्रेफरेंस में डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आना है और यहाँ पे आपको जो टर्म को एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ उसके बाद यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे प्लीज वेट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेना, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे वेट करेंगे तो आपका जो फॉर्म है फाइनली यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन का आईडी यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने के लिए। और इसका जो भी यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर रहता है वो आपका नंबर और उसका जो PDF रहता है 4 पेज का, वो आपका पेज यहाँ पे जो है PDF आपके ईमेल एड्रेस पे सेंड कर दिया जाता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जनरेट ईमेल एक्नॉलेज
एक्नॉलेजमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे कि आपके ईमेल पे चला जाएगा ये सेंड होके, और वहाँ से अपने ईमेल पे जो है उसको डाउनलोड करके, पीडीएफ को डाउनलोड करके आप यहाँ पे किसी साइबर कैफे से या तो किसी से दुकान से आप यहाँ पे जो है ऑनलाइन की दुकान से जो है उसका प्रिंट निकलवा लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों पीडीएफ को निकाल लेने के बाद आपको यहाँ पे 4 डिजिट का जो भी पीडीएफ होता है उसको निकाल लेने के बाद आपको यहाँ पे प्रिंट निकालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन कराने के लिए उसमें आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटो ले लेना है और जाति आवासीय आय आपको यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आपको 10th का मार्कशीट ओरिजिनल और यहाँ पे मैट्रिक का भी मार्कशीट ओरिजिनल और आधार कार्ड आपका ये सब और यहाँ पे जो CLC सर्टिफिकेट आता है वो आपको यहाँ पे रहना चाहिए। और ये सब जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो सब डॉक्यूमेंट्स को आप ले करके आप यहाँ पे DRCC में ऑफिस जा करके अपने जिला में जहाँ पे भी आपका DRCC ऑफिस होगा वहाँ से जा करके आप वेरिफिकेशन करवा लेंगे। जब वहाँ से आपका वेरिफिकेशन हो जाता है तो वहाँ पे कुछ डिजिट का यहाँ पे नंबर दिया जाता है जिससे कि आप उसमें मैसेज करेंगे तो आपका पैसा जो होता है यानी मैसेज करने का टाइम रहता है 1 तारीख से लेके आपको 5 तारीख के बीच में आपको मैसेज करना है, जिससे कि अगर आप मैसेज करते हो वहाँ से आपका यहाँ पे सक्सेसफुल आ जाता है तो आपका जो भी पैसा होता है अकाउंट में आपको यहाँ पे 2 साल तक आते रहेगा, यानी प्रति महीना आपको यहाँ पे मैसेज करना 1 से 5 तारीख के बीच में। तो दोस्तों इस प्रकार से जो फॉर्म को वेरिफिकेशन करा सकते हैं और फॉर्म को कैसे बना वो भी मैंने आपको कंप्लीट वीडियो में बता दिया हूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना है, साथ ही साथ दोस्तों और भी इस प्रकार की डेली वीडियो देखना चाहते हैं नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा प्रेस कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।